खबर जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। और इस अभियान के तहत ही झबरेड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित खड़खड़ी दयाला गांव में एक ट्रक से 100 पेटी अवैध शराब बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पकड़ी गई शराब की कीमत 9 लाख बताई जा रही है और पकड़ा गया आरोपी हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी में जुट गई है। झबरेड़ा से राहुल सैनी की रिपोर्ट। एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा आदर्श चुनाव संहिता के प्रवर्तन के दौरान कैश, लीकर, आर्म्स और ड्रग्स से संबंधित प्रभावी चेकिंग किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में एसओ झबरेड़ा के नेतृत्व में टीम के द्वारा खड़खड़ी दयाल गांव यूपी बॉर्डर के पास एक छोटे हाथी को, जिसमें कि सब्जी का परिवहन किया जा रहा था, चेकिंग के लिए रोका गया और उसकी गहनता से चेकिंग की गई। तो चेकिंग में सब्जी के ढेर के नीचे छुपा कर रखी गई 100 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम राजेंद्र पुत्र हेमा सिंह, निवासी ग्राम सागा, थाना राउडी, जिला करनाल का रहने वाला है। इससे और भी जानकारी की जा रही है कि इसके द्वारा कहां से ये शराब लाई गई थी। उसके द्वारा बताया गया है अम्बाला से वो ये शराब ला रहा है, और ये कहां जानी थी इस संबंध में जो भी जानकारी उसके द्वारा दी जाएगी, उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध सभी संभावित पहलुओं से जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।